बीच में प्रोफेसर और भी हैं जो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर संसद मार्ग अपनी मांग को लेकर यहाँ बहुत तादाद के अंदर आए हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर अभी आपने UGC पे भी धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए UGC पे 12 तारीख को एक बैठक हुई थी और डूटा के मुद्दों के ऊपर उन्होंने सुना है, लेकिन जो 70-30 का मामला है, फंड कट का मामला है, वो सीधे तौर पे MHRD और केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ जी। तो जाहिरा तौर पे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी और छात्र यहाँ पे MHRD के खिलाफ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। दरअसल इसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है। विश्वविद्यालय में 30% रिसोर्स जनरेशन का एक ही अर्थ है, वो है स्टूडेंट की फीस बढ़ाना। इसका मतलब है आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर देना। हमारे ब्राइटेस्ट ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स जो है दिल्ली के कमजोर तबकों से आते हैं और हम चाहते हैं कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ें और अपना इजाफा करें अपने नॉलेज के अंदर। तो यही है आज 70-30 मुख्य मुद्दा है, साथ ही साथ API के मुद्दे हैं, बाजारीकरण और निजीकरण के सवाल पे है। कुल मिला के ये शिक्षा को बचाने का एक संघर्ष है जिसके लिए आज छात्र शिक्षक कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी इंडिया रिसर्च करने में सबसे आगे है, जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो रिसर्च कहाँ से होगी? देखिए एक कोरा मजाक है, शिक्षा का बजट आप कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर रहे हैं कि हमारा रिसर्च बढ़ रहा है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जहाँ पे पर भी आप शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने की बात करेंगे, आपको फंडिंग को बढ़ाना जरूरी होगा। उसके उलट आप फंडिंग में कटौती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को हम बेहतर बनाना चाहते हैं। बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। द गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन टू क्रिएट क्वालिटी इन द एजुकेशन। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक पकौड़ा भी एक व्यवसाय है, उनके मंत्री जी भी संसद के अंदर बैठ के कहते हैं एक पकौड़ा भी व्यापार है या BTech प्रोफेसर, ये पकौड़ा बेचने के लिए इतना वर्ष लगाएंगे, इतने PhD MPhil करेंगे? देखिए मैं उस पकौड़ा बजट में नहीं जाऊंगा, वो तो एक रिटोरिक्स है और सरकार पकौड़ा को क्या मानती है वो सरकार जाने, लेकिन शिक्षा को पकौड़ा ना बनाए, शिक्षा को व्यापार ना बनाए, शिक्षा को बाजार ना बनाए। शिक्षा इस देश के बहुमत जनता के हित के लिए है, उनकी क्वालिटी की बढ़ोतरी के लिए है और गरीब तबकों को व्यवस्था के अंदर बेहतर स्थान पाने के लिए शिक्षा है। तो ये समझदारी हमें विकसित करनी पड़ेगी। इफ द गवर्नमेंट वांट्स इक्विटी इन एजुकेशन, देन गवर्नमेंट विल हैव टू इंक्रीज इट्स फंडिंग इन द एजुकेशन। ओके, थैंक यू सर।